कास्ट किया गया तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगा. मुझे गाने का शौक था, स्कूल कॉलेज में भी गाया करते थे, फंक्शंस में गाते थे. तो चकोरी जब बन रही थी तो मैंने चकोरी के लिए प्लेबैक गाया था, वो भी किसी जिस तरह सेहरा में मैंने अपना पहला गाना बज़मी साहब ने मुझे गवाया था, तो मैंने कमाल साहब के लिए गाया था. उसके हीरो कमाल साहब थे और उस जमाने में मैं फिल्मों में था ही नहीं, मैं स्टूडेंट था. फिर जब वो चकोरी का गाना मैंने गाया, कहाँ हो तुमको ढूंढ रही हैं, तो वो मैंने अजीम साहब के लिए गाया था क्योंकि वो हीरो थे चकोरी. अच्छा, अजीम थे. अच्छा। वो इत्तफाक कुछ हालात ऐसे हुए, कुछ होते होते वो इत्तफाक से वो गाना मुझी पे पिक्चराइज हुआ, मैं उसका हीरो बन गया. और एहतशाम साहब ने जब कहा कि भाई तुम्हें चकोरी में काम करना है, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैं क्या करूँगा. मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था. खुशी भी थी कि मैं हीरो बन रहा हूँ, तो हीरो बनने का एक सब में ही होता है. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन मुझे डर ये था कि मैं करूँगा क्या, मुझे बिल्कुल कोई तजुर्बा नहीं था, ना स्टेज पे, ना टीवी पे, ना किसी. अच्छा, कभी कभी आपने स्कूल कॉलेज में भी ड्रामा नहीं? नहीं, सिंगिंग. मैं जब भी स्टेज पे एज अ सिंगर आया. अच्छा. बट नॉट एज एन एक्टर. तो वो एक अजीब सा एक वक्त था मेरी जिंदगी का जब मैंने चकोरी में काम किया. मेरी कुछ समझ में नहीं आता था. जब पहले दिन जब मेरी शूटिंग शुरू हुई तो मैं अल्लाह से दुआ करता रहा. फिर मैंने कहा कि अब तो देखा जाएगा, अब तो जो होना है दे दिया इन्होंने, अब तो जो कर सकते हो कर लो. और अब जो ये बिसात आपने बिछाई है जी, कैसा जा रहा है ये सीन? अच्छा है, अच्छा तजुर्बा रहा मेरे लिए. एक मुश्किल, फिर एक मुझे लगा कि वही चकोरी वाला वक्त मुझे याद आ गया जब मैंने बिसात के लिए काम किया, क्योंकि दोनों के मिजाज में बहुत फर्क है. बहुत फर्क. एक बड़ा पर्दा, एक छोटा पर्दा, तो एक ही जैसा लगता है, लगता है काम भी वही, लेकिन काम का तरीका और काम का अंदाज जो है वो बहुत मुख्तलिफ है. अच्छा नदीम साहब, मैंने सुना आपको खाने पीने का बिल्कुल शौक नहीं है. मुझे बहुत ज्यादा शौक है. मैं हर किस्म की गंद बला सब खाता हूँ. अच्छा. हाँ, मैं जंक फूड और कॉलेज के जमाने से मेरे सारे दोस्त मुझसे बेजार होते थे, क्योंकि मैं हर ठेले पे हर छोले जो दही बड़े. और ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं हर खाना एंजॉय करता हूँ. अच्छा. चाहे वो ठेले पे हो, चाहे वो बड़े होटल में हो, चाहे वो चाइनीज हो या पाकिस्तानी. मैंने इसलिए कहा कि शायद आप अपनी डाइट का ख्याल रखते होंगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं माशाल्लाह से कि आप बहुत फिट हैं. अभी तक ऐसा कोई नहीं लगता कि आप फैल गए हो या लोग वेट जैसे गेन कर लेते हैं. नहीं, ये है कि मैं कम खाता हूं. खाता सब कुछ हूं. अच्छा. लेकिन कम खाता हूं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता हूं, बाकी और कोई खास. मतलब तबीयत के हल्के नहीं है आप, कि खाते हैं तो खाते ही चले जाएं. नहीं, ऐसे चटोरे नहीं. खाने का शौक है लेकिन जरा सा हाथ को रोक. अच्छा, आइए हम आपको अपने नौजवान दोस्तों से मिलवाएं, जैसे कि आप खैर मिलते रहते हैं इनसे तो बहुत अच्छी तरह. अब पहले मैं आपकी मुलाकात हुमायूं से करवाती हूँ. हुमायूं ने जैसे कि अभी हमने कहा कि टीवी पे ज्यादा काम किया है और टीवी पर डिफरेंट रोल्स किए हैं, ज्यादातर तो हीरो ही के किए हैं. अभी कुछ 2-4-5 साल बाद बाइसन वगैरह भी शायद लगना शुरू हो जाए. लेकिन फिल्म में हुमायूं ने एक ही फिल्म की है और बहुत हिट फिल्म थी और बहुत अच्छा रोल था, तो ये बताएं इंतहा के बाद और फिल्म साइन क्यों नहीं की? मैंने किसी भी तरह मौका निकाल लिया था फिल्म के लिए, एक फिल्म के लिए. लेकिन आजकल मैं वाकई इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मैं फिर मुझे हुई हैं 2-3 फिल्में ऑफर, लेकिन अभी बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा. लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही मुझे एक दो प्रोडक्शन. अच्छा. अपनी कर रहा हूँ, उसके बाद कोई बहुत अच्छी मूवी में काम करने का मौका मिला तो जरूर करूँगा. हाँ. अच्छा, आपका एम वैसे था क्या जब आप घर से चले थे कि हीरो बनना है या एक्टर बनना है या परफॉर्मर बनना है? क्या एम, फाइनल गोल क्या था आपके माइंड में? नहीं, शुरू में तो ऐसा नहीं था. शुरू में असल में मैं प्रोडक्शन में था, प्रोडक्शन गारमेंट्स की. अच्छा. तो अच्छी खासी जॉब थी मेरी. उसके बाद मुझे मेरा एक दोस्त था जो कि स्टेज पे काम करता था, आज तारिक उसका नाम, तो वो उसने मुझे बोला कि एक प्ले बन रहा है. उन दिनों नई नई प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई. अच्छा. तो उसने बोला तुम अगर करना चाहो तो. मैंने बोला मेरी जॉब होती है. कहते नहीं तुम ट्राई कर लो. तो मुझे थोड़ा सा हुआ दिल किया, मैंने बोला हो सकता है मेरा हो जाए. तो फिर मैं गया और मेरा ऑडिशन हुआ, तो ऑडिशन में मैं कामयाब हो गया और फिर मुझे उसमें सीरियल में उन्होंने रख लिया. लेकिन रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट हुई तो मैं काफ़ी कॉन्शियस था. मुझे मतलब कैमरा वैमरा के एंगल्स का नहीं पता चल रहा था कि मेरा दो दफ़ा क्यों ले रहे हैं. चुपा, लेकिन वो काम मेरा सही हो गया. अच्छा. सबने बोला हाँ तुमने सही किया. लेकिन पता नहीं फॉर सम रीज़न दूसरे दिन मुझे मिसकास्ट कर दिया गया. अच्छा. और अच्छा, मुझे फिर ये था, मैंने बोला अच्छा ही हुआ यार, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा काम पर मैं ज़्यादा ध्यान दूँगा. लेकिन उसके बाद फिर मुझे एक मौका मिला कि मैं प्रोडक्शन करता हूँ अपनी. अच्छा. और उसमें मैंने सोचा कि मैं एक ट्राई करता हूँ खुद से, और फिर मैंने एक डायरेक्टर लिया और वो प्ले उस वक्त तो नहीं चला, लेकिन उस प्ले को सेम डायरेक्टर ने देखा और मुझे टेलीविज़न के ऊपर ये जहाँ में
रोल मिला। अच्छा, एक म्यूजिकल प्रोग्राम था। हाँ, हाँ, ठीक है। वो बहुत उस पर लोगों की काफी वोशिप। अच्छा, हुमायूं के बारे में आज तो मैंने खास तौर पे पट्टी पढ़ाई थी कि बोलना है, वरना हुमायूं बहुत खामोश तबीयत के हीरो है। हुमायूं को देख के नहीं लगता कि कोई हीरो शीरो है, क्योंकि हुमायूं आराम से एक पुरसकून सा लड़का है, जो बैंक में भी नौकरी कर सकता था वैसे और बैंक में बल्कि बैठा हुआ कैश पे बड़ा ही प्यारा ये लगता। लेकिन ये कि ये एक्टिंग भी इस तरह इतने अच्छे तरीके से अपने रोल्स करते हैं कि अगर आप हुमायूं सईद को देख लें और वो रोल्स देख लें तो आप कहेंगे कि कोई और आदमी, इसमें कोई वो स्टाइल नहीं है कि जो एक सिगरेट पी के वो जो एक होता है ना हीरो का एक उठना बैठना और उदियाँ बैणियाँ और उदियाँ खिलौनियाँ वो चीज़ हुमायूं के अंदर बिल्कुल नहीं है, जो कि अभी हम देख सकते हैं। सऊद का माशाल्लाह बैठना ही ऐसा है जैसे हीरो बैठा हुआ। हाँ जी सऊद, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? ठीक ठाक हैं। हीरो बन गए या बने बनाए आए थे अपने घर से? नहीं, हादसाती, मैं भी हादसाती हीरो। अच्छा, स्टेट से आया था, एक शादी अटेंड की, वहाँ पे एक फिल्म की ऑफर हुई गुनाह की, परवेज करीम साहब ने की। अच्छा, तो मैंने सोचा चलो एक मेरा भी नाम आ जाएगा फिल्म में। एक फिल्म मैंने भी की थी, फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी थी, वो फिल्म की मैंने। उसके बाद वापस कराची आ गया, फिर स्टेट चला गया, घूमता फिरता रहा, दो साल गायब रहा। फिर मैडम शमी मारा मुझे लव 95 में दोबारा लेकर आई एज अ विलन। अच्छा, अच्छा। मैं नेगेटिव किया था वो। उसके बाद फिर काम शुरू हो गया, पंजाबी फिल्में शुरू हो गई। इसमें अब हर फिल्म ये है कि जिशान और सऊद दोनों ज़रूरी हैं फिल्म के अंदर। अब जाहिर सी बात है वो भी बड़ी तेज़ी से बनना शुरू हो गई और काफ़ी फिल्में अनाउंस हो गई हैं। तो क्या सर खुजाने के लिए क्या मतलब कोई नौकर रखा हुआ है, अगर कभी खुजली हो जाए तो क्या करते हैं? बस जब अल्लाह का करम होता है तो ऐसा होता है, नौकर भी रख लेते हैं। हाँ, तो उसके अलावा फिर मैं कैसेट भी कर रहा हूँ इत्तफाक से, जो इनका शौक है वो मेरा भी शौक है। हाँ, मैंने सुना, बल्कि एक प्रोग्राम में तो बहुत अच्छा गा रहे थे। अच्छा, जी, और आप काफी मुनासिब गा रहे थे, मतलब मैं समझी कि जैसे सब लोग गा रहे हैं ऐसे ये भी चलो गा रहे, लेकिन ये तो ही वाज क्वाइट वेल। हाँ, मेरी कैसेट भी आ रही है अभी, बल्कि कल ही मुझे ऑफर हुई और कैसेट की, तो मैंने कहा चलें ये भी करता हूँ। लेकिन ये मैं उस वक्त करता हूँ, 3 बजे के बाद रात को पैकअप के बाद जाता हूँ। ये इसलिए रखें गाने का काम, नदीम साहब आपको भी मैंने एक दिन मशवरा दिया था, याद होगा आपको, कि बुढ़ापे में ये काम हमारे काम आएगा। अगर आवाज निकली तो, क्योंकि आवाज जरा निकलती रहती है बुढ़ापे तक, अगर आप बैठे बैठे गाना भी गाएं तो गा तो सकते हैं, और म्यूजिक। और अब हम अपने हीरोज के साथ शुरू करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इस दौर के हीरोज और इस दौर के हीरोज, इनके दोनों अदवार में क्या फ़र्क है, ये लोग क्या महसूस करते हैं कि उस वक्त आसानियाँ थीं या अब आसानियाँ हैं, अब मुश्किलात हैं या तब मुश्किलात थीं। सो हमने आज आप चारों को जिस मकसद के लिए बुलाया है कि आपस में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सचेंज भी करें और देखें कि क्या भलाई और क्या बेहतरी हो सकती है। पहले मैं सीनियर्स से एक सवाल करना चाहूँगी। उस ज़माने में जब आप लोग काम करते थे, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा कि सिर्फ एक खूबरू और एक वजीह इमेज ही काफ़ी होता था, एक्टिंग या परफॉर्मेंस का कुछ खास उस वक्त ख्याल नहीं रखा जाता था, तो क्या मतलब आपके ख्याल जिस तरह के इस वक्त परफॉर्मेंस की भी बहुत अहमियत है, एक अच्छी शक्ल की ज़रूरत भी है, लेकिन मुनासिब शक्लों के लड़के भी हैं तो वो परफॉर्मेंस के ऊपर उनको लिया जा रहा है, तो क्या निस्बतन वो टाइम आसान नहीं था आपके लिए? नहीं, इस लिहाज से तो था आसान कि एक खूबसूरत सा नौजवान जो भी होता था उसको लोग वैसे भी कहते थे हीरो लगता है, चाहे वो फिल्म का हीरो हो ना हो, वो कंसेप्शन था, इसमें कोई शक नहीं। मगर अगर टैलेंट नहीं होता तो वो आगे नहीं चल सकती थी बात। बहुत सारे उस ज़माने में भी नए हीरो आए थे, उनके अंदर अगर टैलेंट होता तो आज तक रहते, मगर वो फेड आउट हो गए, उसकी ये वजह थी। मैं एक सवाल इन दोनों से करना चाहता हूं, अगर तुम्हें याद दो तो। जी जी बिल्कुल, प्लीज़ करें। क्योंकि अक्सर मैंने एकेडमी भी खोली थी, बहुत से नौजवान भी उसमें आते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं पहले हुमायूं से कि जब तुम एक्टर बने तो क्या मकसद तुम्हारे सामने था? पैसा था, शोहरत थी, इन दोनों में से क्या चीज़ थी या दोनों थी? पैसा, शोहरत इतनी नहीं थी, दिमाग में पैसा था और ये था कि अच्छा एक्टर बन। हम लोगों के दिमाग में पैसा नहीं था, आई एम श्योर नदीम भी इस बात से एग्री करेगा। हम लोग अपना नाम ज़्यादा ऊंचा करना चाहते थे कि जब शोहरत मिल जाती है तो पैसा ऑटोमेटिक आता है। सऊद, अब तुम बताओ। मैंने हमेशा इसको जॉब समझ के किया और अब कोशिश करता हूँ कि आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट और अच्छा काम। नदीम साहब आप फरमाइए, आपके जहन में उस वक्त क्या था? आपके जहन में तो खैर आपको तो उन्होंने बनाया खुद हीरो। बेसिकली तो आपकी जब एक खास एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते, एक मकाम बन जाता है, तो फिर आपके लिए नाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पैसा तो होता ही है, पैसे के बगैर तो कोई काम कहीं भी नहीं करता, लेकिन जब एक मकाम हो जाता है, एक नाम हो जाता है, अल्लाह
थोड़ा सा आपका नाम बना देता है या लोग मोहब्बत से आपको कुछ किसी खास मकाम पे लाके खड़ा कर देते हैं, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसको मेंटेन करना, उस पोजीशन को सस्टेन करना, उसको मेंटेन करना, वो बड़ा मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो फिर दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। अच्छा, उस वक्त जो हीरोज होते थे, मतलब मोस्टली फिल्मों में, कुछ मुझे भी जाहिर है देखी है, तो लगता था उनका काम इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता था। उनको हीरोइन को या तो कभी फूल की छड़ी मारनी होती थी या कभी फल जामुन वगैरह मार दिया छेड़ने के लिए। उस जमाने में वाकई इतना एक्टर पे, खासकर जो हीरो होता था, उस पे काम का इतना लोड नहीं होता था जितना अब है। पहले जो था, यू आर राइट कि वो आसान था बनिस्बत आजकल के काम के, क्योंकि ज्यादातर रोमांटिक सीन्स होते थे और गाने वाने हो गए, और एक आध आपने दो चार मुकों वाली एक फाइट की के साथ, वो भी होती, वो भी आवाज ज्यादा हुई, मिल मिला के और हो गया वो खत्म, आवाज ज्यादा हुई एक्शन। लेकिन वो जूं जूं ये दौर गुजरता गया तो फिर वो काम भी साथ साथ जो है उसका वो उसकी डिमांड बढ़ती गई और फिर आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता गया। जैसे आप फील करें कि आपकी शूटिंग है, उस जमाने की बात कर रही हूँ मैं, और जो आपकी हीरोइन है, उन्होंने तो फिर भी सर पे फल फूल लगाने होते थे, उनको बहुत काम होता था, यहाँ पे बाल वाल सब कुछ ही, हर चीज, कपड़े हो रहे हैं, कोई गोटे लग रहे हैं, कोई कुछ ना कुछ उनकी, उनको मेहनत करनी पड़ती थी तैयारी वगैरह में। लेकिन आप क्या करते थे, सूट पहन के चले गए आराम से, वो गोल गोल घूम रही है उसकी उंगली सिर्फ पकड़ ली, वो घूमे जा रही है आराम से। नहीं, अब मैं ये कह रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि अब ये लड़के जो हैं, क्योंकि इनके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा और इनके हमसाये में और इधर उधर दूर दराज भी बहुत लड़के नाच रहे हैं, धना धन भाई चलो ड्यूटी पे शुरू हुए। ये दरअसल बदल गया, वक्त बदल गया। यही तो मैं तो पूछ रहा, बहुत पहले नाच चुका हूँ, यानी आज से 25 साल पहले मैं नाच चुका हूँ। ये शादी से पहले की बात कर रही हूँ मैं, शादी की नहीं कर रही। शादी से पहले आप लोगों का ख्याल है कि अब आप लोग ज्यादा मुश्किल में हैं या ज्यादा आसानियां हैं आपके पास? हम लोगों का काम का लोड ज्यादा है। आई थिंक पहले जमाने में तो आप एक शूटिंग करते थे। नहीं, लोड तो आपने खुद लिया है ना, अब आप एक दिन में तीन तीन शूटिंगें करते हैं, उससे काम तो सफर होता है। कुछ माहौल ऐसा वहाँ पर बना हुआ है कि मैंने नहीं किया, जब से मैं आया मैंने यही देखा है। वो कहते हैं कि बस आप एक काम कीजिए, आप अभी 4 बज रहे हैं, आप घर चले जाएं, तो 7 बजे फिर हम मिल लेते हैं, ये हो जाएगा, क्योंकि वो जो एक हीरोइन है वो, उसने कनाडा जाना है तो प्लीज वो कर लें। तो एक हीरो 3 घंटे में कनाडा से होके आ जाएगी वापस? नहीं, मतलब उसने जाना है तो कर लें खुदा का। अच्छा, अच्छा। शाम को पता चला वही मेरे से शूटिंग कर रही है। अच्छा। तो उससे पूछा, आप कहते नहीं मुझे तो नहीं, वो कहता आपने जाना है, मैंने कहा मैंने जाना है, कहते वगैरह आपने जाना है, मैंने कहा नहीं, आपस में परेशान रहते हैं। हमारे और इनके जमाने में जो फर्क है वो न सिर्फ एक्टर्स में फर्क है, प्रोड्यूसर्स के मिजाज में भी बड़ा, रवैयों में भी तब्दीली आई। इसलिए कि पहले प्रोड्यूसर कोशिशें करता था कि मैं फिल्म बनाऊं और अच्छी फिल्म बनाऊं, कमर्शियल भी हो लेकिन साथ साथ अच्छी फिल्म हो। लेकिन अब जो ज्यादातर जो प्रोड्यूसर्स हैं, माँ सिवाय चंद नामों को छोड़ के, उनका रवैया यह है कि मैं फिल्म बनाऊं और जल्द बनाऊं, जल्दी खत्म, अच्छी बुरी से कोई वास्ता नहीं। तो जब आप जल्द ये काम करेंगे तो फिर वो इसी तरह होगा, फिर उसका प्रेशर आके वो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस पे पड़ता है जो कि दूसरी जगह भी काम कर रहे हैं, और अगर आपके पास इनका शेड्यूल नहीं है और आप चले गए हैं, ताल्लुकात भी होते हैं, आपने काम किया हुआ है, तो वो फिर एडजस्टमेंट्स करते करते इंसान फंसता चला जाता है और फिर उसमें जो नेट रिजल्ट है वो फिर काम नहीं सही। अभी पिछले कुछ दिन पहले हमारे पास फिल्म प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स का हमने प्रोग्राम किया था, वो कह रहे थे कि जी हमें हीरोज और हीरोइंस ने परेशान किया हुआ, एक्टर हमें परेशान करता है, तो हम इतने टाइट हो जाते हैं कि वो हमें वक्त नहीं देता। और हम नहीं, ऑडियंस भी बिल्कुल बदल गई ना, पहले सब लोग फिल्म की तरफ जाते थे, आज अब यहाँ कितने लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से चंद लोग ही होंगे जो जिन्होंने जितनी भी नई फिल्में आई हैं उनमें से कोई देखी होगी, ऑडियंस बदल गई है। अच्छा, एक आम रवैया लोगों के जहनों में भी है, हमेशा से था कि एक्टर बड़े मगरूर होते हैं, हीरोइंस के बारे में भी होता था और हीरोज के बारे में भी होता था कि जी वो सीधे मुंह बात नहीं की उन्होंने और यूं चले गए। अब उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या पता वो बिजी है या किसी शूटिंग से जा रहे हैं या वो सोए हुए नहीं है रात भर के जागे हुए, अब जो फैन है वो तो ये नहीं समझ रहा, लेकिन एक आम रवैया जो होता था कि मगरूर हैं, तो क्या आजकल आप तो नदीम साहब काम कर भी रहे हैं यंग हीरोज के साथ, मैं साउथ की तरफ नहीं कह रही, लेकिन हाँ इनके साथ भी किया है, आपको क्या लगता है इनके रवैयों में पिछले हीरोज की निस्बत कुछ फर्क है आप बिहेवियर? नहीं, आई डोंट थिंक, ये तो सिर्फ एक कहने की बात है कि जी यंगर जनरेशन जो है वो बड़ी प्राउड है और हेड स्ट्रांग है, और
ऐसी बात नहीं है, नहीं, they don't take seriously, ऐसी impression तो नहीं है कोई आपको? नहीं, I don't think so, because I think they are all well-behaved boys. नहीं, इन दोनों की बात नदीम से नहीं करूं, बात और मैं हीरोइंस की बात मैं करना चाहूंगा कि मैंने तो दो चार दफा जो लाहौर गया हूं, मैंने बड़ी खराब रिपोर्ट सुनी है कि बहुत ज्यादा बदतमीजियाँ करती हैं, सीनियर्स का कोई एहतराम नहीं करती हैं, और लेट आना उनका फैशन है, इज्जत उन्होंने समझती हैं कि एक फंक्शन में या किसी भी शूटिंग में हम लेट आए अगर टाइम पे पहुंच गए. वो हमारे ज़माने में ये बात नहीं होती थी. हमारे ज़माने में मतलब हमें, हमारे पास गाड़ियाँ भी नहीं थी उस ज़माने में, शुरू की बात कर रहा हूँ. तो अनवर कमाल पाशा साहब की हमें गाड़ी लेनी, मैं, एजाज हबीब, हम एक फिल्म वतन में थे, तो हमें 8 बजे ले जाती, 10 बजे की शूटिंग होती थी, हम बैठ जाते थे कि डायरेक्टर साहब है, और डायरेक्टर का बड़ा एहतराम होता था. आजकल मेरे ख्याल से डायरेक्टरों का वो एहतराम रहा ही नहीं. अच्छा, अब तो पुरानी बात हो गई, अब तो वो उनमें से बहुत सी हीरोइंस ऐसी जो काम भी छोड़ गई, कुछ दुनिया छोड़ गई. एक का तो नाम बता दें जो बहुत मगरूर थी उस जमाने में आपके साथ, जिन्होंने आपको लगा कि बहुत उन्होंने गुरूर किया था. एक का छोटी सी चूरी ढूंढो, अपनी सहेलियों का नहीं कह रहे, देखा, और उनकी सहेलियों को बातें कर रहे हैं है? अभी तो उन बिचारों की तो सहेलियां बेचारी काम कर रही है, अपनी का एक सहेली का नाम बता. मैंने शिकायतें सुनी है ईमान से सब हीरोइनों की, इन लड़कों के तो खरी पढ़े लिखे हैं, और क्योंकि टेलीविजन से गए, they are well behaved boys. आप लोगों के आपस के ताल्लुकात हीरोज के, मतलब कह रही हूं, कि वो कैसे दोस्ती होती है या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जलसी, जैसे लड़कियों में तो सुनते रहते हैं. काम की जलसी तो होती है, लेकिन वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, कोई खास काबिले जिक्र मतलब नहीं, नहीं कोई ऐसी बात नहीं. आप नहीं, तुम लोगों में जैसे हम लोगों में पहले मिलना जुलना था, एक दूसरे घर जाना, दावतों में जाना, मिलना, पिकनिक करना, इनके पास वो वक्त नहीं है ना. तुम लोग इतने मशगूल हैं कि अपने लिए कम वक्त है, तो कहां ये वक्त. वैसे ही औरतों में ज्यादा होती है, अदरवाइज लड़कों में नहीं. अगर ये सही कहा है कि लड़कियों में होती, अच्छा वो जाहिर भी कर देती हैं, होती होगी यहाँ भी, मगर ना उन्हें ये होता है कि मैं कमा रहा हूँ तो एक वो भी आदमी है, वो भी कमाए, और मतलब सीरियसली हम ऐसा सोचते हैं कि यह वो उसका घर चल रहा है, उसकी फैमिली चल रही है, वो सपोर्ट कर रहा है अपनी फैमिली को. लड़कियों को तो क्या करना होता है, उनको जलना होता है कि ये कैसे नंबर वन, ये मैं कैसे. वो तो हमारे में नहीं होता, वो तो एक अजीब मजाक है. जैसा कि हमारे लिए काम कहा ना कि प्रोफेशनल जेलसीज होनी चाहिए, कि आप ये फील करें कि अगर ये काम तो मैं इससे बेहतर काम. लेकिन पर्सनल जेलसीज नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल जेलसीज होनी चाहिए. इफ यू वांट टू इंप्रूव, वो फिर एक अच्छे आपको सपोर्ट मिलता है कि मैं अच्छा काम करूं. सही बात, वेगर आप में पैदा होती है. और अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि टीवी एक बहुत नेचुरल और बहुत रियलिस्टिक परफॉर्मेंस का मीडियम है, फिल्म को थोड़ा लाउड कहा जाता है, तो ये पूरी दुनिया में ही इस तरह से डिफरेंस है, लेकिन आप फिर भी हीरोज़ के तौर पे काम करते आए हैं इतने साल. कभी आपको दिल में ये ख्वाहिश हुई, कभी ये फीलिंग हुई कि आप लाउड काम नहीं करना चाहते, या कोई ऐसा कैरेक्टर वहाँ आप करना चाहते हो जो आपको नहीं मिला हो? बुशरा, दरअसल ये होता है कि फिल्म और टीवी की परफॉर्मेंस में फ़र्क आपको इसलिए लगता है कि टीवी के दौरानिया में और फिल्म के ड्यूरेशन में बड़ा फ़र्क है. एक चीज़ जो है वो फिल्म में तमाम तर बातें 2 से 2.5 घंटे में आपको कहनी होती हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है वहाँ परफॉर्मेंस, मतलब सुकड़ सी जाती है वो, उसी 2.5-3 घंटे में आपको जो कुछ करना है कर लेता है. टीवी में आपके पास इतना मार्जिन है कि अगर आप एक 8 एपिसोड या 13 एपिसोड में आप चला रहे हैं, तो उसमें आपको परफॉर्मेंस को ठहराव पैदा करने का, एक ग्राफ बनाने का आपको मार्जिन मिल जाता है, जिससे आप प्ले कर सकते हैं मुख्तलिफ जेस्चर्स से, पॉजेस से. और इसके बरक्स फिल्म में आपके पास इतनी फुटेज नहीं होती कि वो आप उतने पॉजेस वहाँ ले सकें या उतने जेस्चर्स अपने मेंटेन कर सकें, तो वो फिर वो बहुत से जो फाइनल पॉइंट्स होते हैं वो निकलते चले जाते हैं. लेकिन कभी कभी आपको ये फीलिंग हुई वहाँ, फ्रस्ट्रेशन हुई कि ये कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए जो जो होता है, अक्सर होता है, बहुत सर. तो राइटर से आपने कभी क्यों नहीं कहा कि लिखे कोई ऐसा? कहा है, राइटर्स भी किया भी है, लेकिन आप किस हद तक बोल सकते हैं? एक हद तक बोल सकते हैं, एक हद तक आप सजेशंस दे सकते हैं, आप डिक्टेट नहीं करवा सकते. मतलब जैसे कि मेरा डायरेक्टर है, क्योंकि अब डायरेक्टर इज द कैप्टन, मान लिया ना, जब मान लिया डायरेक्टर, अब डायरेक्टर को आप सजेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टर को आप फोर्स नहीं कर सकते, आप डिक्टेट नहीं कर सकते. यही मैं जानना चाहती कि आप इन लोगों के हवाले से, कि डायरेक्टर्स आजकल जो सुना जाता है कि जी डायरेक्टर्स को बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस का सामना है, और
एक्टर्स जो हैं, हीरोज जो हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रोल करने वाले लोग हैं, चाहे हीरोइंस हैं या हीरोज हैं, वो डिक्टेट करते हैं, वो अपना टाइम, अपनी एक्टिंग, अपना रोल और दूसरे का रोल कम करवाना, और इस किस्म की कुछ दो चार ऐसी अनरीजनेबल चीज़ें सुनने में आई हैं जो जूनियर्स के हवाले से मैं जानना चाह रही थी कि सुना है अब वो बहुत कॉमन। हीरोइन तो गाने भी कटवा देती हैं, उसके इतने गाने हैं तो मेरे इतने हैं, तो उस पर छोड़ देती हैं फिल्म को। हीरोइन वाले प्रोग्राम में आप गए हुए थे, वरना मैं आपको ज़रूर बुलवाती और बड़ा अच्छा ठीक ठीक निशाना आप लगाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में कमी यही रह गई ना। आप बताइए सऊद, ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? नहीं, थोड़ी सी एक बात है कि जब कुछ डायरेक्टर आते हैं हमारे पास, नॉट फ्यू ऑफ देम, कुछ बहुत अच्छे हैं जो जानते हैं काम को, और कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो रोल है ना तुम्हारा, वो तुमने आज तक किया नहीं होगा, और वाकई जब वो करते हैं ना तो पता लग जाता है वाकई हमने कभी नहीं किया, वो ऐसा बुरा रोल कभी नहीं किया कभी नहीं किया। फिर उस दौरान ऐसा होता है कि किसी नए हीरो की फिल्म हिट हो जाती है, अच्छा। चलती हुई फिल्म में तो प्रोड्यूसर आ कहता है कि इसको भी डाल लो, इसकी फिल्म चल गई है, इतना सा एक चमची ये भी डाल लो। हाँ। अच्छा। तो अचानक वो भी आ जाता है फिल्म में, तो उसके भी दो गाने डालने पड़ते हैं, तो फिल्म जो होती है ना वो कहीं और चली जाती है। अच्छा, तो इसमें आप फिर उस वक्त बोलते हैं, रिएक्ट करते हैं कि भाई ये क्या किया, ऐसी बातें क्या कर रहे हैं आप? वो कहते नहीं नहीं वो ये यूँ है ना खिला रहा हो गया, तो ये सब मिल जाएंगे एंड में, तो वो तो मुझे पता है, मैंने कहा सबको पता है वो तो मिल जाएंगे, लेकिन फिल्म तो ख़राब हो गई आपकी। तो फिल्म जब तक सिंगल पेयर की या इस टाइप की बनती हैं वो हिट होती हैं, जो भी आप उठा के देख लें, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, फिल्म तो सिंगल पेयर ही हिट होती है, अच्छी कहानी हिट होती है। उसमें आई थिंक डायरेक्टर जो है वो मेन है, डायरेक्टर अगर चाहे तो अच्छे एक्टर को एक्सपोज कर सकता है, उस पर अगर उसका दिल हो कि मैं कुछ बना सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो देखने में आजकल में आई है कि आजकल के जो हीरो हैं उन्होंने अपना स्टाइल बना रहा है, कि मतलब बाल लंबे आपके भी थे और शुगर कटवा दिए। अच्छा, और अब जेवर वगैरह का भी सीन शामिल हो गया है, तो ये तो चले, अब आजकल जाहिर है ओवरऑल पूरी यूथ में ही ट्रेंड है कि शुक्र करें कि इन्होंने सिर्फ कान में बाली पहनी है, लोग जबान में भी पहन रहे हैं जी। और यहाँ पे भी पहन रहे हैं, और बाहर तो मतलब वियर्ड लुक देने का एक रिवाज भी हो गया। आप लोगों को कभी ऐसी कोई गिमिक करने की जरूरत नहीं पड़ी क्या? मतलब आप बहुत अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते हैं। बुशरा, मैं एक बात बताऊं, और वाकई हकीकत है कि जब कोई फिल्म हम साइन करते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो उसका जो हीरो होता था कैरेक्टर, मैं वो ढूंढता था अपने इर्द गिर्द के ये कहीं से मिल जाए ये आदमी। कई मैंने ऐसे रोल किए हैं, इंसानों गधे में तोतले का रोल किया मैंने, एक तोतले को बड़ा ऑब्जर्व किया। फिर ऐसा भी होता है, मैं एक बेवकूफ से एक नौकर का मैंने रोल किया था, वो मैंने मुझे एक कैरेक्टर था, मैं उसको वॉच करता था। उसकी शायद वजह ये थी कि कम फिल्में होती थी, हमें टाइम मिल जाता था स्टडी करने का, कैरेक्टराइजेशन करने का। मैंने कभी कोशिश नहीं की किसी फिल्म में मैं कमाल ही लगूं, बल्कि वो कैरेक्टर बनने की कोशिश करता था। एक्चुअली आजकल कुछ दौर ही ऐसा आ गया है, देखें हमारे पीटीवी के सीरियल्स आप पहले के उठा के देखें, एक से एक बढ़कर हैं। आज इतनी प्राइवेट प्रोडक्शंस आ गई हैं कि अब टीवी का भी अब प्लेस देखें तो परेशान होते हैं, देखें कि बहुत स्लो पेस लगते हैं, बहुत स्लो पेस, मतलब ये हर जगह अभी इतना आम हो गई ये आई थिंक प्रोडक्शन के, हर आदमी कर रहा है। अच्छा, आप लोग एक्टिंग किसी एकेडमी से तो नहीं सीखा, ना मौका मिला, ना ज्यादा आपने टीवी पे भी काम नहीं किया, और भी जाहिर सभी लोगों ने कर करके ही सीखा है, अपने सीनियर्स को देख के सीखा है। कभी बाहर की फिल्में देखकर आप सीखते हैं कुछ, ऐसा लगता है कि आप मतलब इधर उधर से कहीं से मुख्तलिफ फिल्मों की, वेस्ट की फिल्में, जहाँ ये नहीं कि सिर्फ हमसायों की, तो ऐसी जगहों से आप कोशिश करते हैं कि सीखें कुछ परफॉर्मेंसेज, या कोई ऐसे उनके आपको लगते हो ऐसी जगह जो आप फॉलो कर सकते हो? हमें सीखने का तो नहीं होता, हमें ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि इस एक्टर के ऊपर कितनी मेहनत हुई है, और अफसोस होने लगता है, ये डिप्रेशन हो जाता है कि काश हम भी उसी किस्म की इंडस्ट्री में होते कि जिस पे जो डायरेक्टर्स या जो प्रोडक्शंस आपको एक्टर को बना देती हैं, जो वो होते नहीं हैं उनको उनसे बेहतर दिखाती हैं। मेरे हिसाब से तो सऊद जितने अच्छे हैं वो यहाँ के डायरेक्टर या यहाँ के प्रोड्यूसर उनको और नीचा कर देते हैं। मतलब ऐसा ही होना चाहिए, फिल्म ऐसी चीज है कि वो तो प्रोड्यूसर मेहरबान हो जाए आप पे तो आपकी कामयाबी है, लेकिन वो लड़कों वो पे मेहरबान नहीं है, लड़कों पे कम मेहरबानी होती है। ये जो पेयर सिस्टम होता था पहले आपके जमाने में तो बहुत ज्यादा हुआ करता था, बहुत। तो यानी एक एक हीरोइन के साथ कई कई फिल्में, और आप लोगों के यहाँ ये कितना मजबूत है इसका रिवाज? नहीं है, मेरे
ख्याल में तो अपनी नहीं, तुम्हारा मीरा के साथ था ना प्यार करे, अब नहीं है, अब नहीं है। नहीं, ये आप तो माशाल्लाह से सीनियर है, आपको ज्यादा मालूम है कि यहाँ पे किसी के साथ फिल्म क्लिक हो जाए एक दो, वो उसके साथ ही कि बस ये दोनों ओके हो गए, तो ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स करते हैं, इसमें हमारी गलती नहीं होती। अगर वो मेरे साथ 10 फिल्में करी तो मैं नहीं करवाता, या ना इतने कोई अच्छे हैं प्रोड्यूसर के मेरे कहने पे वो कहेंगे जी 10 फिल्म ये साइन कर लिया उसके कहने पे। हाँ, जो उनको लगता है कि कामयाबी कामयाब है वो। दरअसल बॉक्स ऑफिस पे जब भी किसी की फिल्म हिट हो जाती है तो एवरीवेयर प्रोड्यूसर यही कोशिश करता है कि वही कास्ट, वही टीम, वही लोगों को लेके, टेक्नीशियंस भी इवन लोग वही रखते हैं ज्यादातर, म्यूजिक डायरेक्टर वही लूं ताकि मैं वो एक फिर एक सक्सेस की एक अलामत से बन जाए, जो कि ऐसा नहीं होता है। मतलब एक फिल्म में जो टीम हिट हो जाए जरूरी नहीं कि वो उसी टीम की दूसरी फिल्म भी हिट हो जाए, वो फ्लॉप भी हो सकती है, लेकिन एक ये नोशन है, एक होता है। अभी आई एम सॉरी बात काट रहा हूँ, एक फिल्म अभी हिट हुई रिसेंटली तो वाइंड अप हुआ, तो 4 फिल्मों का मेरी वाइंड अप उसी जगह पे उसी लोकेशन पे हुआ। मैंने पूछा क्यों, कहता यहाँ पे वाइंड अप हुआ था, फिल्म सुपर हिट हुई है, बड़ा पैसा कमाया है, सुपर स्टेशन बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो चारों वाइंड अप एक ही लोकेशन पे उसी जगह पे, मतलब ये लकी लकी है जगह। हाँ, तो ये तो मतलब वहीं मरो, उधर एक जगह मरने एक होता है एक एक, ये भी बहुत पुराना ट्रेंड चल रहा है वैसे, 50 साल ही हो गए फिल्में बनते हुए और अब तक चल रहा है कि हीरो जब मरने वाला होता है तो सारे काम बता के मरता है कि घर को कुंडी लगा लेना, बत्तियां बुझा देना, चूल्हा गैस ना खुली रह जाए, और जो कुछ उसने फला जगह पैसे पड़े हैं बता के अगर मर गया तो फिर हीरो कहां रहा। वही तो कह रही हूं, नहीं मरता तो है, मरने से पहले सारे काम करके मरता है, इसी बात के तो उसे पैसे दिए जाते हैं कि पूरे बता के मरना है, उससे पहले मरना नहीं है। क्या समझते हैं कि आप चारों मेहमानों से पूछते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री की बेटरमेंट के लिए, एक्टिंग फील्ड की बेहतरी के लिए क्या ऐसे सजेशंस हो सकते हैं जो आप समझते हैं कि होने चाहिए? बुशरा, बहुत सारी बातें हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री को खुद करनी पड़ेंगी। फिल्म इंडस्ट्री अब तक खुद रोत रक्त की तरह अब तक 50 साल 51 साल से चली आ रही है और खुद ही उसने अपने मसाइल को हल किया है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, सबसे मैं जो अहमियत देता हूँ वो ये कि एजुकेटेड लोग फिल्म इंडस्ट्री में आने चाहिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑल्सो। माहौल इतना अच्छा होना चाहिए कि अच्छे घरानों की लड़कियाँ उधर आएँ, क्योंकि एक ख़ास तबका ही फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहा है। और फिर एक एकेडमी का क़याम बहुत ज़रूरी चीज़ है कि थोड़ा सा डायरेक्टर्स, एक्टर्स, ये सब ट्रेन होकर आए, टेक्नीशियन। और आप जैसे एक्टर्स जो काम अब कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो वहाँ पे ट्रेनिंग देने वालों में शामिल हैं। हमने तो अपने तौर पर किया, आप देखें बिल्कुल महदूद यहाँ के एक्टर्स, बल्कि बाहर से लोगों को बुलाया जाए बिल्कुल, और उनसे लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करवाएं ताकि रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं जी, एग्जैक्टली बिल्कुल, एक प्रॉपर एकेडमी बने। और जैसा कि अभी कमाल भाई ने कहा कि ट्रेन लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, क्योंकि क्रिएटिव काम है और जब तक ट्रेनिंग के साथ नहीं आएंगे या तालीम के साथ नहीं आएंगे तो इस काम में वो निखार या वो परफेक्शन आएगी नहीं, मजाक बना रहेगा, एक मजाक बना रहेगा, जरूरत बिल्कुल हमें नजर आता है कि लैग कर रहा है। आप आपको फील होता है कभी, आप जैसे मैंने अभी हुमायूं से पूछा फिल्म देख के बाहर की, तो फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमें भी ऐसी इंस्टीट्यूशंस मिलती तो आपका जी चाहता है कि होना तो चाहिए। उनकी प्रोडक्शन देखिए, उनका काम देखिए, तो बड़ा दुख भी होता है कि और बड़ा फील करते हैं कि काश हम भी वहां पर होते, लेकिन अल्लाह का शुक्र भेजते हैं फिर कि चलें यहाँ पर अपने मुल्क में जैसे है जो भी है। नहीं, दाल दलिया तो बहुत अच्छा हो रहा है, मगर काम हो रहा है, अच्छा काम नहीं हो रहा है। अच्छा काम जो है ना वो, आई एम सॉरी टू से कि अगर 50 फिल्में बनती हैं पाकिस्तान में साल में तो एक दो अच्छी बना ही लेते हैं, मतलब उनसे बेहतर है। इसी तरह पड़ोसी मुल्क में भी यही है, वो 600 फिल्में बनाते हैं वो भी 2-3 ही अच्छी बना पाते हैं, वरना वही एक हीरो एक हीरोइन 6 गाने और भाग दौड़ एंड पे, वही ओवरऑल एक प्रोडक्शन का मैार होता है जो कि वो सही होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि 1-2 फिल्में हिट हो जाएं, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि तमाम फिल्में, मतलब एटलीस्ट प्रोडक्शन लेवल, उनका प्रोडक्शन लेवल उनमें नजर तो आए कुछ, कि प्रोडक्शन क्वालिटी नजर आए, क्वालिटी नजर आए, चाहे वो हिट हो या ना हो, चाहे वो सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें क्वालिटी जरूर नजर आए, जो गलतियां हैं वो ना हो। हिट या फ्लॉप से फर्क नहीं पड़ता, फ्लॉप से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी फिल्म फ्लॉप भी हो सकती है और एक बुरी फिल्म हिट भी हो सकती है, ज्यादातर अच्छी फ्लॉप होती है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स नजर आए जो होता है। लेकिन मैं फील करता हूँ, मैं हमेशा ये बात मैंने एक जगह पहले भी कही थी और कुछ मेरे दोस्त मुझसे नाराज भी हुए थे, मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान की फिल्मों का मैार काफी हद तक बेहतर हो सकता है अगर हम अपने फिल्मों की लेंथ को कम करें, ड्यूरेशन ऑफ फिल्म,
बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। एक ज़माना था जब हम 11,000 फुट की बनाते थे, फिर 12,000 फुट की बनी, अब 16 और 17,000 फुट की फिल्में बनती हैं, विच आई थिंक इज वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टैलेंट, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हर चीज़। उसमें यह होता है कि जब फिल्म आप ड्यूरेशन बढ़ाते चले जाते हैं तो जो फिल्म का जो तासुर है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेच होता वो फिर आलू शोरबा लंबा हो जाता है। अगर हम कम ड्यूरेशन की फिल्म बनाएं, एक तो आप कॉन्सेंट्रेट उस पर कर सकेंगे, देन आप अपना रॉ मटेरियल बचाएंगे जो कि फॉरेन एक्सचेंज में आप खरीदते हैं, वो बचता है आपका, डेट्स बचती हैं, लोगों का काम, देन आवाम जो देख, आजकल लोगों के पास 4 घंटे बैठे देखने का वक्त नहीं है, वक्त की रफ्तार इतनी बढ़ गई है, तो अगर कम फिल्म, क्योंकि दुनिया की बड़ी सी बड़ी फिल्म जो बाहर बनती है 1.5 घंटे की, वो 8,000 फुट 9,000 फुट की बनती, चलिए हमारे यहाँ अगर आप गाने भी मिला लें 12-13,000 फुट की बना लें, ये 16-17,000 फुट बनाना जो है मैं समझता हूँ इट्स अ क्रिमिनल वेस्टेज। और दूसरा एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ चॉइस ऑफ एक्टर्स बहुत कम है, लिमिटेड है, बहुत कम, बहुत 3-4 हीरो हीरोइनों पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री चल रही है। अच्छा, एक तो ये नए चेहरे नहीं आ रहे, और दूसरे अब जो जाहिर है लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें फिल्मों में भी एक थोड़ा सा चेंज आया है कि रियलिस्टिक भी काम हो रहा है, उसके अंदर ये इस चीज से अब निकल जाना चाहिए कि खुश शक्ल हीरो या खुश शक्ल हीरोइन हो, क्यों बड़े बड़े बदल चुका, बदल क्या है पहले से, मैं नहीं कह रही हूँ कि बाहर से अब ये कॉन्सेप्ट आ चुका है एंटी हीरो को भी होना चाहिए, जैसे एंथनी क्विन या डस्टिन हॉफमैन को खूबसूरत आदमी तो नहीं है मेरे ख्याल से, जैसे हमारे सीनियर्स हैं जो कि समझते हैं कि क्या गलतियां हो रही हैं, उन्हें ही मिल के कोई स्टेप उठाना चाहिए, उन्हें भी मतलब कुछ सोचना चाहिए, मतलब मैं आज मतलब मैं ये सोचता हूं कि मुझे अच्छी फिल्म नहीं मिल रही तो मेरा बिल्कुल दिल करता है कि मैं एक दिन इस साल के आखिर अगले साल के आखिर में या अगले साल मैं कोई फिल्म लॉन्च करूँ। अच्छा, लेकिन इसी तरीके से मेरे ख्याल से नदीम साहब, कमाल साहब, इन्हें भी इसमें आना चाहिए। और नदीम साहब ने तो अटेम्प्ट किए हैं, मिट्टी के पुतले बनाई थी, अच्छी फिल्म थी, फिर एक मुखड़ा बनाई थी, कोशिश की थी कुछ लेकिन वो अच्छी फिल्म नहीं चली होगी ना, फिर नहीं चली। ये भी एक तलखी नहीं चली ये सिर्फ उसकी वजह ये नहीं थी कि कुछ मुख्तलिफ थी, उसमें कुछ हमारी तरफ से भी खामियां थी, जो हम बनाना चाहते थे उस तरह की वो बन नहीं पाई, तो वो बॉक्स ऑफिस में। लेकिन जैसे आपने कहा ना, एजुकेटेड लोग आने चाहिए, और वो सब फील्ड में, हीरो हीरोइंस नहीं, टेक्नीशियंस में भी आने चाहिए, बहुत फर्क पड़ जाए, अच्छा, बदल जाए। एजुकेटेड लोग जाते हैं कभी कभी, मगर थोड़ी देर में डर के आ जाते हैं 2-4 फिल्में करके, या तो वो चलते नहीं वहाँ। एजुकेटेड आदमी का ये होता है कि उनको अपनी गलती का जरूर पता होता है, यही तो गजब है कि इन्हें पता है। कुछ लोग जो है वो बना के अब उनकी कोई गलत फिल्म चल जाती है, वो कहते हैं नहीं अब यही गलत काम करना है, तो जरूरी नहीं है कि वो गलत काम दोबारा चले। कई दफा लोगों को गलती का पता ही नहीं चलता कि वो गलती हुई है, वो उसी में मतमईन होते हैं। एग्जैक्टली, आपको ये पता होना चाहिए, इतने एजुकेटेड होने चाहिए कि आपको पता हो कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। आपको अपने काम में कभी भी 100% इत्मीनान नहीं होना चाहिए, और वो जहाँ भी हो गया वहीं काम तमाम खत्म हो गया। आप सबसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा, और बहुत दिनों बाद आप सब भी इकट्ठे जमा हुए, यानी मुश्किल से, और कमाल साहब और नदीम साहब तो बहुत अरसे से बिछड़े हुए थे, हमने ये प्रोग्राम बिछड़े हुए को मिलाने का किया है, बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है ना। और जिंदगी के हीरोज वो हैं जो खूबसूरती और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, असल में जिंदगी के हीरो वही होते हैं, और लोगों के लिए राहत बनने वाले लोगों को हम हीरो कहते हैं। आज हमारे ये हीरो जो फिल्मी हीरोज की शक्ल में आपके सामने स्क्रीन पे नजर आते हैं, मैं यकीन से कहती हूँ, मैं इनको अच्छी तरह जानती हूँ, ये वाकई अपनी जिंदगी में भी अच्छे लोग हैं, आप मुतमईन रहिएगा।